देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। केरल और महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु, बंगाल, दिल्ली में भी संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 7 से 12 साल के बच्चों के लिए कोवैक्स वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ये कोवोवैक्स वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है। इसके अलावा जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल की 2 डोज की वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी गई है। ये वैक्सीन अभी 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को ही लगाई जाएगी।